अगस्त के महीने में एमपी की सियासत में भारी बवाल भरा रहने वाला है। कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ 1942 में महात्मा गांधी की अगुवाई में हुए अगस्त क्रांति आंदोलन से प्रेरणा लेकर एमपी में एक ही माह में चार बड़े आंदोलन करने जा रही है। प्रोटेस्ट में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की खबर है। ये आंदोलन प्रदेश के अलग अलग पावर सेंटर्स जैसे ग्वालियर, चंबल, मालवा और उज्जैन में होंगे और इस आंदोलन के जरिए सरकार को किसान युवा वचन पत्र के वादे, कर्ज, महंगाई, कानून व्यवस्था के मुद्दों पर घेरने की तैयारी चल रही है। इतिहास इस बात का साक्षी है, जब अंग्रेज देश में काबिज थे उस समय अगस्त क्रांति जो हुई थी उससे प्रेरित होकर के हम अगस्त क्रांति लेकर आई है कांग्रेस, और ये इसकी शुरुआत इसकी ग्वालियर चंबल संभाग से होगी और ये कुशासन को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। हम जनता के मुद्दों को सामने रखेंगे और अपनी आवाज़ को मजबूत करेंगे, सरकार को झुकाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो स्थानीय नेतृत्व है वह स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इस प्रकार के आंदोलन प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार अपने संकल्प पत्र में वर्णित बिंदुओं को लेकर के आगे बढ़ रही है। हम तमाम विषयों को पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे 450 का सिलेंडर देने की बात हो। इस प्रकार की तमाम योजनाएं सरकार आधारभूत रूप से जमीन पर मूर्त रूप लेने के लिए सहयोग कर रही है और उसके साथ ही साथ गवर्नेंस की ओर हमारी सरकार का पूरा फोकस है। कांग्रेस पार्टी को अपने छिन्न भिन्न संगठन को पहले एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए। एमपी कांग्रेस विभाग और प्रकोष्ठ को मजबूत करने की कवायद में जुटी है। करीब 45 विभाग और प्रकोष्ठ को मजबूत करने के लिए पार्टी अलग अलग वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ेगी। पार्टी प्रवक्ता की माने तो कांग्रेस सभी समाज और धर्म के लोगों को पार्टी से जोड़ेगी और बहकावे में पार्टी छोड़ चुके कार्यकर्ताओं को वापस लाने का प्रयास होगा। वहीं कांग्रेस की इस पहल पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जीतू पटवारी 6 महीने में अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए और अब विभाग और प्रकोष्ठ के जरिए जनता को पार्टी से जोड़ने की कोशिश हो रही है। जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं वो क्या कांग्रेस में जाना चाहेंगे? पटवारी जी संभागवार मोर्चा संगठनों की लगातार बैठ के ले रहे हैं। संभाग के जितने वरिष्ठ नेता हैं उनको बुला के कांग्रेस पार्टी की उस संभाग और जिला स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ मध्य प्रदेश में नजर आई। कांग्रेस पार्टी में जीतू पटवारी आज तक अपनी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन नहीं कर पाए और जिस पार्टी में प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी नहीं है, जिले के प्रभारी नहीं है, वह कैसे जाकर के मोर्चा संगठनों का गठन कर लेंगे? ये अपने आप में एक हास्यास्पद स्थिति है कांग्रेस पार्टी के सामने। और धार से खबर है जहां